हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिशवॉशर की प्री इंस्टॉलेशन के बारे में। तो जब एक कस्टमर फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली के लिए एक नया डिशवॉशर परचेस करने का प्लान करता है तो कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस कस्टमर के मन में हमेशा रहते हैं डिशवॉशर की इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग, कि डिशवॉशर का क्या डायमेंशंस होता है, क्या हमें प्लम्बिंग का वर्क अपने घर पर कराना चाहिए डिशवॉशर की इंस्टॉलेशन के लिए, वो सारे क्वेश्चंस आज मैं कवर करूंगा अपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिशवॉशर की डायमेंशंस के बारे में। आप डिशवॉशर चाहे किसी भी कंपनी का परचेज करें, उनका ग्लोबल स्टैंडर्ड डायमेंशन सबका सिमिलर होता है। जैसे ही हमारे सामने बॉश का डिशवॉशर है, इसकी अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 84.5 सेंटीमीटर का इसका हाइट है, विड्थ इसका 60 सेंटीमीटर का है एंड डेप्थ इसका 60 सेंटीमीटर का है। तो 84.5 सेंटीमीटर का हाइट का मतलब है अगर आपके पास वहाँ पर 85 सेंटीमीटर का हाइट अवेलेबल है तो आप इजीली इस डिशवॉशर को वहाँ पे प्लेस करके यूज़ कर सकते हैं। बट बॉश एंड सीमेंस के डिशवॉशर में एक ऑप्शन आता है काउंटर टॉप रिमूव करने का। तो अगर आपके पास हाइट का इशू है तो इस डिशवॉशर के अपर के टॉप को आप रिमूव करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से रिमूव होता है। यहाँ से आप इसे ओपन करके इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिशवॉशर के टॉप को रिमूव करने के बाद जो इसका हाइट बचता है वो 81.5 सेंटीमीटर का बचता है। तो अगर आपके पास 82 सेंटीमीटर का हाइट अवेलेबल है तो आप इसे इजीली इसके टॉप को रिमूव करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस वाले डिशवॉशर का टॉप निकाल के अपने स्लैब के अंदर से रखा हुआ है। इस तरीके से आप अपनी स्लैब के अंदर से यूज़ कर सकते हैं इसका टॉप को रिमूव करने के बाद। तो इस तरीके से आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इस डिशवॉशर को अगर हम बैक साइड से देखते हैं तो जो मैंने बताया था इसका डेप्थ होता है 60 सेंटीमीटर का, बट डिशवॉशर क्या है पीछे से एल शेप में होता है। तो अगर आप इसके बॉटम वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपका इसका ये ड्रेन पाइप है एंड यहाँ पर इसका आपका इनलेट एंड यहाँ पर इसका पावर कनेक्शन है। तो ये एल शेप में होता है तो 60 सेंटीमीटर की डेप्थ के अंदर ये प्रॉपर तरीके से आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। देन बात करते हैं डिशवॉशर के पावर कनेक्शन का। तो इसके अंदर जो आपको ये पावर कोड मिलती है इसका जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो 1.7 मीटर का होता है। ये आप देख सकते हैं 1.7 मीटर की ये वायर है, तो जिसको आप इजीली लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इस पावर कोड को प्लग करने के लिए 16 एम्पियर का सॉकेट का रिक्वायरमेंट होता है। तो 16 एम्पियर का पावर कनेक्शन आपके पास है तो ईजिली उसके अंदर ये प्लग इन हो जाता है। एंड जब इस पावर कोड को आप प्लग इन करें, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कोई मल्टीप्लग यूज़ नहीं करना है और कोई एक्सटेंशन बोर्ड भी यूज़ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इस कोड को अपने प्लग के अंदर इसको प्लग करना है। एंड अप्लायंस की और ह्यूमन सेफ्टी के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आपके साइट पे प्रॉपर अर्थिंग सिस्टम होना चाहिए। कई केसेस में क्या होता है, कस्टमर कंप्लेंट करता है कि डिशवॉशर से करंट आ रहा है, तो बेसिकली वो अप्लायंस का फॉल्ट नहीं है। अगर आपके पास अर्थिंग कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो हो सकता है अप्लायंस से आपको करंट वाला प्रॉब्लम देखने को मिले। देन बात करते हैं इसके इनलेट कनेक्शन की। तो डिशवॉशर के साथ जो स्टैंडर्ड लेंथ आता है 1.5 मीटर का आता है, ये पाइप जो साथ में आता है ये 1.5 मीटर का है। एंड जो आपके टैप का जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो आपको पौन इंची का रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब आपके पास जो टैप कनेक्शन अवेलेबल है उसमें पौन इंची की फिटिंग चाहिए, तो प्लम्बर से आप पौन इंची की फिटिंग बनवा सकते हैं ताकि ये इनलेट पाइप उसमें ईजिली कनेक्ट हो जाए। अगर आपका टैप कनेक्शन हाफ इंची का है तो आपको पौन इंची का बुशिंग यूज़ करना पड़ेगा, देन ये पाइप आपका ईजिली उसमें कनेक्ट हो जाएगा। एंड बात करते हैं डिशवॉशर के लिए वाटर प्रेशर की। तो 0.5 से लेके 10 बार के बीच में आपको वाटर प्रेशर होना चाहिए आपके टैब में। इससे कम और ज़्यादा है तो आपको वाटर प्रेशर पंप यूज़ करना पड़ेगा डिशवॉशर को ऑन करने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए। एंड ये वाटर प्रेशर आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। आप अपने टैब को ऑन कीजिए, नीचे एक बकेट रख दीजिए, एक मिनट के अंदर अगर 10 लीटर का पानी अगर उस बकेट में भर जाता है तो इसका मतलब आपका वाटर कनेक्शन वहाँ पर वाटर प्रेशर ओके है, आप इजीली वहाँ पर डिशवॉशर को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। देन बात करते हैं डिशवॉशर के ड्रेनेज कनेक्शन की। तो जो ये साथ में आपको ये ड्रेन पाइप मिलता है इसका जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो 1.8 मीटर का होता है। तो अगर आपके पास एक ड्रेन होस अवेलेबल है तो इजीली वहाँ पर आप इसे प्लग इन कर सकते हैं ताकि डिशवॉशर अपना सारा पानी वहाँ पर निकाल दे। एंड कई बार जब कस्टमर डिशवॉशर को अपने घर में इंस्टॉल करता है तो वहाँ पर जो उसका ड्रेनेज होता है वो थोड़ा सा हाइट पर होता है। अगर हाइट पर भी है तो एक चीज़ आप इंश्योर करें कि जो हाइट है ड्रेन पाइप का वो 1.1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी के अंदर होना चाहिए। और अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उसे फ्लैट रखिए। अगर थोड़ा सा हाइट पे भी वो पाइप जा रहा है तो 1.1 मीटर के अंदर ही उसका हाइट होना चाहिए ताकि आपका डिशवॉशर प्रॉपर तरीके से वहाँ पर वर्क कर सके। देन हम बात करते हैं डिशवॉशर के हार्डनेस की।
कई बार कस्टमर का कंसर्न होता है कि हमारे यहाँ हार्ड वाटर आता है तो क्या हम डिशवाशर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर है एंड वो हार्ड वाटर अगर 883 ppm तक है तो डिशवाशर वहाँ पर ईजिली वर्क कर सकता है। इससे ज़्यादा हार्ड वाटर है देन आपको एक एक्सटर्नल वाटर सॉफ्टनर लगाना पड़ेगा, तभी आप डिशवाशर को यूज़ कर सकते हैं। एंड डिशवाशर के अंदर भी आपको हार्डनेस की डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स मिलती है जिसको आप अपने हार्ड वाटर के हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हैं। आप इस डिशवाशर को ऑन करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आता है सेटअप फॉर 3 सेकेंड, इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसका हार्डनेस सेटिंग ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो आता है ये H4 की सेटिंग के साथ आता है, इसको आप स्टार्ट के बटन से कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके यहाँ। अगर हार्ड वाटर ज़्यादा है तो आप इसे S7 तक की सेटिंग पे लगा के आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद आप इसको दोबारा से हाफ लोड के बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये इजीली एक्टिवेट हो जाती है हार्डनेस। तो इस तरीके से आप डिशवाशर को यूज़ कर सकते हैं अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।